हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख रहे हो, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग बिहार का EWS, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो सर्टिफिकेट होता है उसको EWS जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसको किस तरह से अप्लाई करना है पूरा इस वीडियो में बताया जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। आप लोग को EWS सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए, और ये बिहार का है ठीक है, तो EWS सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको इस साइट पे आना है ठीक है, सर्विस ऑनलाइन बिहार गवर्नमेंट.in ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस तरह से आना, सिंपली आप लोग गूगल पे आप लोग क्या लिख लेना है, RTPS 1 लिख लेना ठीक है। जैसे लिखोगे पहला आप लोग साइट मिलेगा, आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। थोड़ा साइट थोड़ा क्या स्लो चलता है ठीक है, तो थोड़ा समय देना ये साइट में आप लोग को। देख पा रहे हो खुल चुका है हम लोग का। और जब खुल जाएगा आप लोग का इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा। और एक चीज का याद रखना आप लोग को, जब ये साइट खुलेगा आप लोग का government.in होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉड वेबसाइट इसका निकल चुका है, फ्रॉड वेबसाइट ठीक है। तो आप लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना है ठीक है, government.in होना चाहिए तभी आप लोग को अप्लाई करना है, कि बहुत सारा वेबसाइट निकल चुका है ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे आना है, आप लोग को लोक सेवा का अधिकार किस सेक्शन में आना है, आप लोग को यहाँ पे आप लोग को सामान्य प्रशासन विभाग वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को पूछा जाएगा आप क्या मतलब बनाना चाहते हो, जैसे कि आप लोग का इससे पहले मैंने आवासीय जाति सारा वीडियो मैंने बनाया हुआ, आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हो ठीक है। आज हम लोग सिंपली बताएंगे आप लोग EWS सर्टिफिकेट किस तरह से अप्लाई करना है। सिंपली यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखेगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गम, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग का 3 इंटरफेस नजर आ जाएगा, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। तो आप लोग को इससे पहले भी मैंने डिटेल से बताया था, फिर से मैं बता देता हूँ आप लोगों को डिटेल से ठीक है। देख पा रहे हो ये जो देख पा रहे हो आप लोग अंचल स्तर, अंचल स्तर को क्या बोलते हैं आप लोग, आप सुने होंगे कि कभी कभी आप बना के आओ आरओ लेवल, तो आरओ लेवल जो होता है उसी को अंचल स्तर बोलते हैं ठीक है। सीओ लेवल भी सुने होंगे आप कभी कभी, तो सीओ लेवल यदि आप लोग को बोला जाए उसको भी बोलते हैं हम लोग क्या, अंचल स्तर को ही बोलते हैं ठीक है। इसके अलावा और एक चीज़ बोला जाता है, इसके अलावा आप इसको क्या ब्लॉक लेवल ही बोलते हैं ठीक है। तो आप लोग कभी बोला जाए कि देखो, और फर्स्ट टाइम जो होता है हम लोग का कि क्या होता है, अंचल स्तर होता है, आरओ लेवल होता है, इसको सीओ लेवल, आरओ लेवल, सीओ लेवल या ब्लॉक लेवल बोलो, एक ही चीज़ है, एक चीज़ का आप लोगों को पता होना जरूरी है ठीक है। तो आप यदि फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे, चाहे कुछ भी करो, आवासीय करो, जाति करो, आय करो, तो फर्स्ट टाइम यदि आपका बनेगा तो आप लोग का कौन सा अंचल स्तर ही बनेगा ठीक है, आरओ लेवल, सीओ लेवल या ब्लॉक लेवल ही बनेगा। इसके बाद आप लोग का सेकंड स्टेप में आ जाता है क्या, अनुमंडल स्तर, यदि ये बन जाता है फिर आप लोग को वही अपलोड करना पड़ता है, जब आप लोग का SDO लेवल जो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं अनुमंडल स्तर। फिर आता है आप लोग का थर्ड नंबर पे क्या आता है आप लोग का जिला स्तर, इसको हम लोग DM लेवल बोलते हैं ठीक है, जिला स्तर भी बोल सकते हैं इसको, DM लेवल भी बोलते हैं ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग टोटल डिटेल समझ में आ गया होगा, और ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत कोई लड़का क्या करता है पता नहीं होता, कुछ भी क्लिक करके अप्लाई कर लेता है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब सिंपली अप्लाई करने के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे पहला स्टेप क्या बताया, पहला हम लोग का क्या बनता है अंचल स्तर बनता है, सिंपली अंचल स्तर पर क्लिक कर देना है ठीक है। देख पा रहे हो यदि आप लोग का खुल जाएगा आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे देखो आप पहला आप लोग का भाषा दिखेगा, आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों दिख सकता है, आपको हिंदी ही सेलेक्ट करके रखना है ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या करना है चेक कर मतलब आप लोग जो लिंक है, जेंडर है आप लोग का पुरुष स्त्री जो भी आपका हो आप लोग सेलेक्ट करना है अपने मुताबिक ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आप लोग का अभिवादन, तो आप लोगों को क्या सेलेक्ट करना है, यदि आप स्टूडेंट हो तो आप लोगों को सिंपली कोई अभिभावन नहीं सेलेक्ट करना है, और यदि आप लोग का समझ लो कि कोई किसी लड़के का यदि शादी हो चुका है तो आप लोग क्या सेलेक्ट करना है श्री करना है, नहीं तो आप लोग सिंपली यदि आप लोग स्टूडेंट हो, यदि आप लोग का शादी नहीं हुआ तो आप लोग कोई अभिवादन नहीं करके आप लोग को आगे बढ़ना ठीक है। और यदि महिला की बात करें तो देख पा रहे हो महिला यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ 3 ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोग को सेम सेम 2 ही ऑप्शन पे आप लोग काम करना है, या आप स्टूडेंट हो महिला में से, यदि आपको कोई भी स्टूडेंट हो किसी भी एज का हो, या आप लोग शादी नहीं हुआ तो कोई अभिवादन नहीं सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है, और यदि शादी हो चुका है तो श्रीमती करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे आप लोग का पूरा नाम, अपना आपका जो भी नाम हो आप लोग पूरा नाम इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है ठीक है। और जैसे ही आप लोग पूरा लिखोगे नाम, देख पा रहे यहाँ पे हिंदी आप लोग को दिखेगा, लेकिन ये इधर का देखो जो सिंह लिखे हम लोग ये नहीं दिख रहा, इसको दिखने के लिए हमको एक स्पेस क्लिक करना पड़ता है तब हम लोग को दिखेगा। और एक चीज़ देख लेना जी आप लोग का हिंदी जो है सही वर्ड है कि नहीं, ये आप लोग गलत हो तो अपने मुताबिक आप लोग गूगल इनपुट टूल या किसी भी माध्यम से आप लोग कोई पेज करके आप लोग सही कर सकते हो ठीक है। यहाँ पे आप लोग का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना, आप लोग का डेट ऑफ बर्थ क्या है अपने मुताबिक ठीक है। ठीक है, इस तरह से आप लोग डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना। और देखो यहाँ पे देखो क्या बोला गया, आधार संख्या, और आधार संख्या आप लोग को तभी देना है जब आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक हो, क्योंकि उसमें OTP जाएगा। लेकिन यदि आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप लोग जरूर दे, क्यों, क्योंकि इससे बहुत कोई फायदा होता है, रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, मैंने देखा नोटिस किया है।
दीदी आप आधार नंबर दे दो तो आपको कोई मतलब जो सर्टिफिकेट होता है कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होता है, सिंपली आप लोग का क्या होता है ओटीपी जाता है, ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई हो जाता है, तो जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं आप लोग को पूरा प्रोसेस विदाउट आधार कार्ड नंबर दे के बताऊंगा, ठीक है? कि आप लोग का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है और आपका वो नंबर एक्टिव है तो आप लोग जरूर आधार नंबर दे, ठीक है? सिंपली आप लोग करना है क्योंकि बहुत ही अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसके बाद आप लोग को अपना पूरा एड्रेस दे देना, आप लोग को यहाँ ऑटोमेटिक ब्याज कट रहेगा, यहाँ पे आप लोग को डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना अपने मुताबिक, यहाँ पे आप लोग अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आप लोग को प्रखंड सेलेक्ट कर लेना, आप लोग का प्रखंड क्या पड़ता है, यहाँ पे आप लोग का स्थानीय निकाय का प्रकार आप लोग को सेलेक्ट कर लेना क्या है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग वार्ड संख्या दे सकते हो, हालांकि मैंडेटरी नहीं दिख रहा लेकिन आप मुताबिक सेलेक्ट कर लेना आप लोग। यहाँ पे आप लोग का विलेज देना है, आप लोग का किस विलेज में आप लोग आते हो, ठीक है? मैं एग्जाम्पल के तौर पर डाटा क्लिक कर रहा हूँ, आप लोग सही डाटा क्लिक करना, ठीक है? मैं एग्जाम्पल के तौर पर डाटा क्लिक कर रहा हूँ, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? अब सिंपल इस तरह से क्लिक करना है, यहाँ पे थाना आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना, आप लोग थाना कौन सा पड़ता है आप लोग को अपने मुताबिक, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को पिन कोड दे देना है, और पिन कोड मैं गलत दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग सही पिन कोड देना है। यहाँ पे होल्डिंग नंबर और सर्कल नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? देख पा रहे हो आप लोग, मैंडेटरी नहीं है तो छोड़ भी सकते हो, मैं छोड़ देता हूँ। अब देखो बहुत मतलब जो है बहुत कोई को डाउट होता है ये वाला, देखो ये जो ये दो ऑप्शन आप लोग दिख रहा होगा, ये वाला को और खो वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोग का, बहुत कोई को डाउट होता है तो ये ऑप्शन आप लोग क्लियर करते हैं हम, ठीक है? देख पा रहे हो आप लोग, एक चीज दिख रहा होगा आप लोग को, केंद्र हेतु अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी एवं बिहार हेतु अधिसूचित मतलब अधिसूचित जो होता है अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा सूची वर्ग में नहीं, मतलब पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीवर्ग नहीं है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। तो आप लोग को बहुत कोई डाउट होगा समझने में, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है फोन नंबर सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है, क्योंकि जो खो है आप लोग का जो है आप लोग का क्या जो जाति में जिनका मतलब अपवाद है या कुछ एरर टाइप से है वो लोग को सिलेक्ट करना है। नहीं समझ में आ रहा सिंपली आपको कॉल नंबर सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना, कोई दिक्कत इससे नहीं होगा। ये आप लोग कुछ भी डाउट हो तो अपने मुताबिक पता करके आप लोग आगे बढ़ जाना, ठीक है? 90% केस में कोई आएगा, ठीक है? इसके बाद सिंपली आप लोग जाति किस जाति से आप लोग आते हैं वहाँ सेलेक्ट कर लेना आप लोग अपने मुताबिक, ठीक है? यहाँ पे आप लोग का फादर नेम लिख लेना आप लोग का, यहाँ पे आप लोग का माँ का नाम लिख लेना आप लोग को, ठीक है? यहाँ पे आप लोग को देख पा रहे हो हस्बैंड का नाम, यदि कोई महिला शादीशुदा होगा तो वो लोग को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सिंपली क्या आ जाना है आप लोग हस्बैंड नाम देख लेना आप लोग को, ठीक है? नहीं होती इसके बाद आप लोग का मोबाइल नंबर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग को मेल आईडी देना है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग को देना है 100% देना है, ठीक है? क्योंकि इसी के माध्यम से आप लोग को अपडेट मिलेगा, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर देना आप लोग को। यहाँ पे आप लोग को फोटो देना, और फोटो जो होना चाहिए आप लोग का सब अभी प्रमाणित फोटो होना चाहिए, मतलब आप लोग का फोटो अटेस्टेड होना चाहिए, एक चीज़ का ध्यान रखना है। इस तरह से अटेस्टेड मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोग बता रहा हूँ, आप लोग देखो इस तरह का आप लोग फोटो समझ लो कि है ये, तो यहाँ पे आप लोग साइन कर देना है। मैंने ये कंप्यूटर की तरह से आप लोग एग्जांपल के तौर पर बताया हूँ, बट आप लोग यहाँ पे इस तरह से आप लोग अपना पूरा साइन कर देना है। आप लोग इधर कोई को क्या करता है इस तरह से साइन कर देता है फेस पे, तो फेस पे आप लोग का नहीं आना चाहिए साइन, इस तरह से आप लोग करना साइन। और ये मैंने कंप्यूटर से लिखना, कोई कोई कंप्यूटर से लिख के आप मत अपलोड कर देना, आप लोग यहाँ सिग्नेचर करना, ये फोटो निकाल के आप लोग सेल्फ अटेस्टेड फोटो यहाँ पे अपना खुद का पेन से साइन करके आप लोग स्कैन करके फिर अपलोड करना, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है? उम्मीद करते समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेना है, यहाँ पे आप लोग फोटो अपलोड कर लेना है, आप लोग सिंपली जहाँ भी फोटो रखे होंगे अपने मुताबिक जाके सेलेक्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, अब फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे परिवार का कुल आय आप लोग दे देना, क्योंकि ये मैंडेटरी है, देख लेना अपने मुताबिक जितना भी आप लोग का देख पा रहे, यदि आय प्रमाण पत्र है तो आय प्रमाण पत्र जितना आप लोग का परिवार का कुल आय है वो आप लोग सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, आय एग्री वाले सेक्शन पे दिखेगा आपको टोटल डिटेल, आप लोग जो जो भरे होंगे टोटल डिटेल वो एक बार चेक कर लेना कि आप लोग सही भरे हैं कि नहीं। आप सिंपली यहाँ पे एक कैप्चा दिखेगा आपको, ये कैप्चा लिखने के बाद सिंपली यहाँ पे सबमिट वाला सेक्शन दिखेगा आपको, सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है? जब आप लोग सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, यहाँ पे बताया जाएगा कि अपना एक एक डिटेल चेक कर लेना आप लोग को, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब चीज़ें अच्छे से चेक करना है, फिर आपको ओके बटन क्लिक करना है, ठीक है? एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग को, जैसे ही आप लोग सेव और नेक्स्ट करोगे तो आप लोग इस तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आप लोग को। यहाँ पे देखो देखिएगा आप लोग का अटैच एनएक्सेशन, मतलब आप लोग को जो सर्टिफिकेट आप लोग जो आप लोग ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए कौन सा प्रूफ दे रहे हो, आपको सिंपली चेक कर लेना है टोटल डिटेल यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक कर लेना आप लोग को, ठीक है? जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा आप लोगों के सामने कि आप जो ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हो, तो यहाँ अपने मुताबिक देख लेना कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है, आपको वही अपलोड करना है। आप लोगों को यदि साइज देखना है तो देखते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, रुको देख पा रहे हैं, यहाँ यदि आप आओगे तो देख पा रहे हो डॉक्यूमेंट पे आप यहाँ क्लिक करोगे ये जगह पे आप लोग इस तरह का आप लोग देखेगा आपको देखने को मिल जाएगा कि 200 KB के कम होना चाहिए आप लोग,
पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी कुछ भी आप लोग अपलोड कर सकते हो, बस 200 से अंदर होना चाहिए। ये पहले से आप लोग ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, ठीक है, तो आप लोग आधार कार्ड के साथ, जब आप आधार कार्ड दे रहे हो तो आधार कार्ड के साथ ईडब्ल्यूएस भी अटैच कर देना है और पीडीएफ में अपलोड कर देना, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे चूज फाइल करके आपको जहाँ भी रखे होंगे आप लोग कर लेना अपलोड, ठीक है। जब आप अपलोड कर दोगे तो इस तरह का ऑप्शन आप लोग देखने को मिलेगा कि आप लोग जो नाम किए हैं एकदम दिख जाएगा आप लोग को, ठीक है। आपको अब सिंपली कुछ नहीं करना, टोटल डिटेल आप लोग हो चुका है, आप सिंपली सेव एंड टेंडर ऑप्शन में आपको आके क्लिक कर लेना है और बस। देख पा रही आप लोग, इतना सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसमें से कोई भी आप लोग का एक सर्टिफिकेट भी होता है तो आप लोग देखो, कोई कोई आप लोग देखने को मिलेगा कि किसी किसी का क्या होता है, आधार कार्ड में बिहार का एड्रेस नहीं होता है, तो क्या करता है आप लोग, कोई कोई रिस्क लेता है कि यदि मेरा बन जाता है तो आप, किसी किसी का मैंने सुना है हाल फिलहाल में कि पैन कार्ड से ही बन रहा है, तो अपने मुताबिक आके चेक कर लेना, यदि आप लोग का एड्रेस अलग है तो पैन कार्ड से भी आके चेक कर लेना, देखते हो कि रिजेक्ट होता है कि नहीं, आप लोग अपने मुताबिक आके देख लेना मेरे केस में सब चीज़ सही है। मैं एग्जाम्पल डाटा कर रहा हूँ तो आधार कार्ड कलेक्ट करके सिंपली सेव एंड एक्सेप्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग आगे बढ़ोगे तो इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा, तो देख पा रहे हो जो दस्तावेज अपलोड किए, अभी जो हम आधार कार्ड अपलोड किए, हमको चेक करना है कि मैंने सही अपलोड किया है कि नहीं, तो सिंपली यहाँ पे देख पा रहे हो आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग दिख जाएगा आप लोग कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। आपको सिंपली टोटल डिटेल आपको चेक कर लेना है, अब ये मेरा आखिरी बार है, ये मेरा फाइनल सबमिट है, सिंपली फाइनल सबमिट करेंगे हम लोग का सबमिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग सबमिट कर दोगे इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा, टोटल डिटेल आप लोग जो जो भरे होंगे आप लोग यहाँ दिख जाएगा, आप लोग को यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा आवेदन संख्या, देखो ये आवेदन संख्या से आप लोग का स्टेटस चेक डाउनलोड सब कुछ इसी से होगा, तो आप लोग अभी बताएंगे सिंपली ये जो पीडीएफ है इसको आप लोग संभाल के रख लेना है, ठीक है। संभाल के रखने के लिए सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, आपको इसको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करोगे आप लोग ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, आप लोग अच्छा से रख लेना है। आप लोगों का क्या करना है, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से उसी साइट पर चल जाना है, ठीक है। सिंपली वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से देख पा रहे हो सर्विस ऑनलाइन बिहार गवर्नमेंट डीट में फिर से आ जाना, ठीक है। आपको ये साइड में फिर से आ जाना, साइड आने के बाद आपको यहाँ पे एक नागरिक अनुभव का सेक्शन दिखेगा, आप लोग का स्थिति देखना या सर्टिफिकेट जो डाउनलोड आप लोग जो आप लोग आवेदन संख्या बताए यहाँ पे आप लोग ऑप्शन दिख जाएगा सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, ये आप लोग बन जाता है, आप यहाँ से आओगे सर्टिफिकेट डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक करोगे आप लोग। आपको सिंपली यहाँ पे जो जो आप लोग आवेदन संख्या बताए वो आप लोग का रेफरेंस नंबर यहाँ क्लिक कर लेना है और आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में जो नाम है आप लोग क्लिक कर लेना है और सिंपली डाउनलोड सर्टिफिकेट वाले सेक्शन पे आप लोग क्लिक कर लेना है, ठीक है। आप लोग सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा और आपको बाई चांस चेक करना आपका स्थिति क्या है, तो आपको आवेदन की स्थिति में आके आप लोग चेक भी कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को एक एक डिटेल समझ में आ गया होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि इसी तरह से आप लोग को बैंकिंग से रिलेटेड टैक्स रिलेटेड हर डिटेल आपको इस चैनल से मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। मिलते हैं आप लोग साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।